क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्या करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांव में आया, गांव में आया सितार वाला, सारंगी वाला, बांसुरी वाला। गांव में आया सितार वाला, सारंगी वाला या बांसुरी वाला, कौन आया था गांव में, सितार वाला आया था या सारंगी वाला आया था या बांसुरी वाला आया था, कौन आया था, सारंगी वाला। कौन आया था गांव में, सारंगी वाला। अगला क्या है, लोग सारंगी को बता रहे थे, लोग सारंगी को बता रहे थे। तो कैसे बता रहे थे लोग सारंगी को, लोग सारंगी को बता रहे थे मीठी खट्टी या कड़वी, मीठी खट्टी या कड़वी, कैसी बता रहे थे लोग। क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में, लोग सारंगी को मीठी बता रहे थे, कैसी बता रहे थे, मीठी। अगला क्या है, सारंगी सुनने गांव वाले आए, सारंगी सुनने गांव वाले कहाँ पे आए, कहाँ पे आए गांव वाले सारंगी को सुनने के लिए, चौपाल में, स्कूल में, पार्क में, चौपाल में, स्कूल में, पार्क में, कहाँ आए थे, चौपाल में, कहाँ आए थे, चौपाल में, सारंगी सुनने गांव वाले आए, चौपाल में, स्कूल में, पार्क में, कहाँ आए थे, चौपाल में, सारंगी सुनने गांव वाले चौपाल में आए। अगला क्या है, भोला ने गांव के बाहर फेंका, सारंगी को, खोली को, दोनों को, किसको फेंका था भोला ने गांव के बाहर, सारंगी को, किसको फेंका, सारंगी को, भोला ने गांव के बाहर सारंगी को फेंका। तो ये क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सही विकल्प है उस पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, गांव में आया सारंगी वाला, लोग सारंगी को बता रहे थे मीठी, सारंगी सुनने गांव वाले आए चौपाल में, भोला ने गांव के बाहर फेंका, किसको फेंका, सारंगी को। तो इन क्वेश्चन आंसरों को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। इससे पहले क्या करोगे आप, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे और बाद में ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे, अच्छे से राइट करोगे और अच्छे से लर्न करोगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सारंगी वाला सारंगी बहुत बजाता था, बुरी या अच्छी, सारंगी वाला सारंगी कैसी बजाता था, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, कैसी बजाता था, अच्छी। सारंगी वाला सारंगी बहुत अच्छी बजाता था, सारंगी वाला सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। अगला क्या है, भोला मन ही मन बहुत झुंझलाया खुश हुआ, भोला मन ही मन बहुत झुंझलाया या खुश हुआ, भोला मन ही मन बहुत झुंझलाया। अगला क्या है, सभी लोग में सो गए कुएं या चौपाल, सभी लोग कहां सो गए थे, सभी लोग में सो गए
बंसी बजाता था। भोला मन ही मन बहुत झुंझलाया, सभी लोग चौपाल में सो गए। सारंगी से एक भी बूंद नहीं निकली, मीठी या कड़वी। मीठी सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। सारंगी गांव के पड़ी है, अंदर या बाहर। बाहर सारंगी गांव के बाहर पड़ी है। ये क्या, इसमें आपको क्या करना है, सही शब्द चुनकर, इनमें से सही शब्द चुनकर क्या करना है, आपको रिक्त स्थान को अच्छे से भरना है। सारंगी वाला सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। भोला मनी मन बहुत झुंझलाया, सभी लोग चौपाल में सो गए। सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, सारंगी गांव के बाहर पड़ी है। तो इन दोनों क्वेश्चन आंसरों को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है, अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करोगे आज आप, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके थैंक यू बच्चों।